हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बजाज की नई पल्सर NH200 के बारे में। जी दोस्तों, NH200 के बारे में कंप्लीट बात करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस बाइक के बारे में आपको डिटेल्स में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। क्या प्राइस आती है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या बजट है, सारी चीज़ें आज के वीडियो में अच्छी तरीके से बताऊँगा। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं न्यू NH200 के बारे में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने ला, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में, आपको ये क्या प्राइस देखने को मिलती है। दोस्तों, ये बाइक आप लोगों को एक्सरूम प्राइस अराउंड 1,49,000, जी हाँ 1,49,000 रुपये के आसपास की जो है एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात कर लें इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो आपको क्लियर कर दूँ हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO इंश्योरेंस चार्जेस में फर्क होता है। ये बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में 1,85,000 1,85,000 के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। अब आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में इसका क्या ऑन रोड प्राइस, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ सर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं दोस्तों इस बाइक के रिव्यू में। सबसे पहले दोस्तों इस बाइक का हम फ्रंट प्रोफाइल देखेंगे, ठीक है। फ्रंट प्रोफाइल में सबसे पहले आती है इसकी लाइट्स। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आज भी आप लोगों को NH200 में जो है नॉर्मल हेलोजन लाइट देखने को मिलता है, जो कि मुझे लगता है इसका थोड़ा सा माइनस पॉइंट है यार। कंपनी को ना इस बाइक में आई थिंक आप LED लाइट में मतलब काम करना था, बट इन्होंने LED लाइट में काम नहीं किया, तो वो मुझे थोड़ा सा माइनस पॉइंट लगता है। बाकी आप लोग कमेंट करना। बाकी फ्रंट में आप लोगों को बाइक में अब USD यानी कि अपसाइड डाउन जो सस्पेंशन है वो भी आपको देखने को मिलता है, तो ये अपडेट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जिसका हम काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, इस बाइक में आपको टायर साइज़ में फ्रंट में 180 की जो टायर साइज़ है वो आपको फ्रंट में मिलती है। अब ब्रेकिंग में आप लोगों को बाइक में डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, तो ये भी एक बहुत अच्छा अपडेट है कि बाइक में आप लोगों को फाइनली डुअल चैनल एंटी लॉक जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो देखने को मिल गया, जिसका हम काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे। फ्रंट में आपको बाइक में 300 mm की जो प्लेट्स है दोस्तों आपको फ्रंट में देखने को मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से वो भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जा रही है। अब आते हैं इंजन में। इंजन टाइप में इस बाइक में आपको 199.5 cc का लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर ट्रिपल स्पार्क प्लग DTSI जो इंजन है वो आपको बाइक में देखने को मिलता है। बात करें पावर एंड टॉर्क के बारे में, दोस्तों ये बाइक मैक्सिमम पावर में अराउंड 24.5 के आसपास का PS पावर जनरेट करती है, एंड 18.7 के आसपास का जो न्यूटन मीटर टॉर्क है वो आपको बाइक में देखने को मिल जाता है। तो आप देख पा रहे बाइक में आपको 200 सेगमेंट के हिसाब से और इसके प्राइस के हिसाब से कितनी अच्छी पावर आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, पावर के मामले में भी बाइक बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर देती है। इसमें आप लोगों को कूलिंग सिस्टम में लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलता है। फ्यूल सिस्टम में बाइक में आपको FI देखने को मिलता है, जिसे फ्यूल इंजेक्टर भी कहते हैं। बाइक 6 गियर के साथ में आती है। बस एक मुझे थोड़ा सा माइनस पॉइंट लगता है कि इन्होंने अभी तक इस बाइक में स्लीपर क्लच नहीं दिया, वो एक थोड़ी सी कमी है, वो भी अगर हो जाती तो ये काफ़ी अच्छी होने वाली थी। बाकी सारी चीज़ों में आपको NH200 एक बेस्ट बाइक निकल के आती है भाई, मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी आपकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, आपको कैसी लगती है NH200 प्लीज नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इस बाइक के माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में। माइलेज में ये बाइक आपको अराउंड 35-35 के आसपास का माइलेज इजीली निकाल कर देती है। 0-100 में इस बाइक को लगभग 10 सेकंड लगते हैं। टॉप स्पीड अराउंड 140 किलोमीटर पर आवर के आसपास की देखने को मिल जाती है, ठीक है। रियर में आते हैं, टेल लाइट। रियर में आप लोगों को 230 mm की डिस्क प्लेट मिलती है। रियर में 130/70 के टायर साइज आपको मिलेंगे। रियर में बाइक में आपको नाइट्रो मोनोशॉक सस्पेंशन इस बाइक में देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छे सस्पेंशन है। साथ में बाइक में आपको जो अंडर बेली एग्जॉस्ट है वो आपको बाइक में इसमें देखने को मिलता है। यहाँ रियर में आपको बाइक में NH200 की जो ब्रांडिंग है वो भी देखने को मिल जाती है। टेल लाइट आपको बाइक में LED देखने को मिलती है, जिसका लुक काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको टेल लाइट कैसी लगती है इसकी। इसकी मेरे हिसाब से तो अच्छी है। अब चलते हैं स्पीडोमीटर की तरफ। सबसे पहले आप की देख लीजिए। स्पीडोमीटर में बाइक में दोस्तों आप लोगों को एनालॉग विद डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, जी एनालॉग विद डिजिटल मीटर के साथ में आती है। बात करें फीचर्स के बारे में, क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी इसमें आप लोगों को। दोस्तों, स्पीडोमीटर जो है वो आपको डिजिटल मिलता है, बट टेकोमीटर आपको एनालॉग मिलता है। फिर ट्रिप मीटर मिलता है, ऑडोमीटर है, क्लॉक है, ABS लाइट है, फ्यूल गेज है, गियर इंडिकेटर है, सर्विस रिमाइंडर है, साथ में डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर भी इन्होंने ऐड कर दिया। तो ये एक जो चीज़ है मुझे थोड़ी अच्छी लगी थी कि इन्होंने फाइनली ये चीज़ ऐड कर दिया, जिसका हम काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे, तो कंपनी ने उस चीज़ को भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको बाइक में मिल जाती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इसकी डिमिनेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में। बाइक की ओवरऑल लेंथ है 2017 mm की, ओवरऑल विड्थ है 804 mm की, ग्राउंड क्लियरेंस 168 mm की, सीट है 805 mm की, आपकी हाइट अराउंड 5.2 से ऊपर तो आप कंफर्टेबल राइड कर सकते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 12 लीटर के आसपास की देखने को मिल जाती है। सो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू बजाज पल्सर NS200 का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं यार फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।